लखनऊ वर्सेस हैदराबाद के बीच खेले गए बीती रात के मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लखनऊ ने सभी को हैरान करते हुए जीत दर्ज करी इस मैच नंबर 12 में 12 रनों से। जिस तरीके से लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी, पावर प्ले में 32 रन पर 2 विकेट से ज़्यादा गिर चुके थे इनके पावर प्ले के अंदर। जहां पर बात करें इनके 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी क्वेंटन डीकॉक, एवन लुइस के साथ साथ मनीष पांडे पावर प्ले में ही विकेट खोकर जा चुके थे। 5वें ओवर की 5वीं गेंद तक टीम का स्कोर 27 रन था। दूसरे छोर पर कप्तान केएल राहुल अकेले खड़े थे। जी हां दोस्तों, उनको चाहिए थे किसी के साथ की जरूरत। पिछले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ 40 रनों की पारी खेली थी 26 गेंदों में। विस्फोटक ये बल्लेबाज है और इस सीजन सबसे महंगे महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी होने के बावजूद भी, विराट कोहली के होने के बावजूद भी 17 करोड़ में ड्राफ्ट किए गए केएल राहुल। सभी के इनके बल्लेबाजी देखने का इंतजार था कि क्या कमाल करेंगे। तो मैच नंबर 3 में ही अपने लखनऊ की टीम की तरफ से इन्होंने बहुत ही बड़ी पारी खेली और मैच विनिंग पारी थी। भले ही मैन ऑफ द मैच इन्हें नहीं मिला, लेकिन शुरुआत इन्हीं की थी एक नींव रखने की जीत की, क्योंकि टीम के जब पावर प्ले में 32 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं 6 ओवर के अंदर, तो वहां से मैच निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए। लेकिन केएल राहुल और दीपक हुड्डा के बीच जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई, उसी के दम पर यहां पर लखनऊ की टीम ने पूरी तरीके से मैच में वापसी कर ली थी। आप सभी को बताएं दोस्तों कि लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच केएल राहुल ने 50 गेंदों में 68 रन की पारी खेली। 87 रन की पार्टनरशिप यानी कि 87 रन की पार्टनरशिप इन्होंने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर की। दीपक हुड्डा इस सीजन काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक अर्धशतक पारी इनके बल्ले से आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल का तो फॉर्म हम पिछले 3-4 सीजन से देख ही रहे हैं। 500 प्लस स्कोर ऐसे ही बना देते हैं जैसे इनके लिए बाएं हाथ का खेल हो। इस मुकाबले में भी टीम के जल्दी विकेट गिर जाने के बावजूद मिडिल ऑर्डर में रन बनाए। 7 से 15 ओवर के बीच में 82 से ज्यादा रन बटोरे दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर। केएल राहुल ने 50 गेंदों में 68 रन बनाए, जहां पर साझेदारियां सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने दीपक हुड्डा के साथ मिलकर की थी। केएल राहुल का जब विकेट गिरा, तब टीम का स्कोर 144 हो चुका था 15वें ओवर के बाद। 16वें ओवर की पहली गेंद तक विकेट गिरा दीपक हुड्डा का और 19वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा केएल राहुल का 144 रन पर। जो डेथ ओवर में रन आने चाहिए थे वो रन नहीं आए। और बीच में मनीष पांडे ने 10 गेंदों पर 11 रन बनाए, इनका बल्ला शांत है। एवन लुइस का बल्ला चला था पिछले मुकाबले में, क्वेंटन डीकॉक का बल्ला चला था, लेकिन इस मुकाबले में मनीष पांडे का बल्ला शांत रहा। आयुष बडोनी अच्छा खेल रहे, 12 गेंदों में 19 रन उन्होंने बनाया था। लेकिन केएल राहुल ने 50 गेंदों में 68 रन बनाए, 6 चौके 1 छक्के की मदद से, जिसके दम पर टीम का स्कोर 169 7 विकेट के लॉस पर पहुंचा। और 33 गेंदों में 51 रन दीपक हुड्डा ने भी 3 चौके 3 छक्के की बदौलत बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट, रोमारियो शेफर्ट ने 2 विकेट, टी नटराजन ने 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में चटका। लेकिन सेकंड इनिंग में जब हैदराबाद की टीम चेस कर रही थी, तो लास्ट के 3 ओवर में पूरा मुकाबला पलट दिया, जहां पर 4 विकेट आवेश खान ने चटकाई थी इस मैच के दौरान, 3 विकेट जेसन होल्डर ने अपने आखिरी ओवर में चटकाई, 2 विकेट कुरनल पंड्या ने भी चटकाई थी। राहुल त्रिपाठी और निकोलस पुरन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था टीम मैच निकाल ले जाएगी, लेकिन केएल राहुल की बेहतरीन कप्तानी के दम पर टीम यह मुकाबला जीतने में कामयाब रही। और जेसन होल्डर की वापसी पर टीम काफी खुश नजर आई, क्योंकि पहले मुकाबले में आखिरी ओवर में 16 रन उन्होंने डिफेंड किए, 2 ही 3 रन दिए, उसके बाद 3 विकेट भी चटका लिए और 12 रन से जीत भी दर्ज कर ली। आवेश खान भले ही मैन ऑफ द मैच चुने गए, लेकिन जो 68 रन की एक इंपॉर्टेंट पारी खेली, आप खुद देख लीजिए 169 टोटल बने थे, उसमें 68 रन केएल राहुल ने बनाए थे। अगर इतना बड़ा स्कोर नहीं होता तो आवेश खान कैसे डिफेंड करवाते, कैसे 4 विकेट चटकाते। तो आपके नजरिए से क्या केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था या आवेश खान सही है मैन ऑफ द मैच के लिए, अपनी राय जरूर रखिएगा। और अब ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की बात करें, तो इस समय ईशान किशन के सर पर ऑरेंज कैप है 135 रन के साथ और 8 विकेट के साथ। उमेश यादव के सर पर है जो कोलकाता नाइट राइडर्स से हैं, 3 मैचों में उन्होंने 8 विकेट चटकाई है। लेकिन आवेश खान और केएल राहुल अब इसी लिस्ट में उनके पीछे पीछे आते नजर आएंगे। इस जीत के साथ लखनऊ की टीम 3 में से 2 मैच जीतकर नंबर 5 पोजीशन पर नजर आ रही है पॉइंट्स टेबल में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।